ललितपुर महरौनी विधानसभा से विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम सेवा योजन मंत्री मनोहर लाल पंत के द्वारा ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह मुख्य अतिथि श्रम सेवा योजन राज्य मंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता रामरतन कुशवाहा सदर विधायक ललितपुर कार्यक्रम का संचालन आशीष रावत जिंदा पंचायत सदस्य बानपुर मनोहर लाल पंत के द्वारा 2022 के चुनाव को लेकर चुनावी चर्चा के साथ सरकार के द्वारा चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रधानों को अवगत कराया। मंत्री मनोहर लाल के द्वारा सभी प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान किया गया, जिसमें प्रधान संघ अध्यक्ष चौबे ब्लॉक प्रमुख, मडावरा ब्लॉक प्रमुख महरौनी सुमित कटारे, पाली मंडल महामंत्री दौलतराम साहू, प्रधान बाला बेहट के साथ सभी मौजूद प्रधानों क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान किया गया। सरकार के द्वारा किसानों की 3 बिल वापस का भी स्वागत किया गया। वहीं मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानों को ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्य करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के माध्यम से पंचायत स्तर पर कार्य की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में गति प्रदान होगी। मनोहर लाल ने कहा कि अभी किसानों के लिए सरकार के द्वारा राहत राशि खातों में सबमिट की जा सकती है, जिससे लेखपालों के द्वारा फ्रीडिंग कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही होती है तो कार्यवाही होगी। अवैध कब्जा, भूमाफिया, गुंडागर्दी करने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज देश के अंदर हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी झांसी आए थे और हमारे रक्षा मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी झांसी आए थे। 17 तारीख को मैं भी वहां पर किले पर गया और वहां कार्यक्रम जो सभा लगी हुई थी उस सभा में अच्छे अच्छे भाषण दिए गए और देश के प्रति माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने वहां से भाषण देकर के जनता को संबोधन किया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता को संबोधन किया गया। वहां पर हमारे माननीय अनुराग शर्मा जी ने भी वहां सभी को धन्यवाद दिया और हमारे पूरे